महंगा भी नहीं है, ठीक है ना। तकरीबन मैंने दूसरी नॉर्मल शॉप से पता किया था, ये मुझे बननी थी तकरीबन 3500 रुपये एक पल्ला, ठीक है ना। लेकिन मेरे एक दोस्त की शॉप थी तो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, भाई क्या हाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक सील ब्रांड। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, वीडियो अपलोड करने की वजह ये थी कि यार न्यू केजेस की जो है ना सेटिंग कर रहा था और न्यू केजेस बना रहा हूँ, तो आपके लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं और आपको उनका साइज़ वगैरह जो खर्चा आया वो भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जनाब हम यहाँ पे न्यू सेटअप खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे खुडे बनने वाले हैं मुर्गों के लिए और जो साइज़ होगा वो भी आपको बताएँगे और जितने पैसे और जितना लगा हिसाब वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। और ये स्लेब्स मंगवाई थी छतों के लिए और ये जो है ना ईंटें पड़ी हैं अभी और भी ईंटें छत पे पड़ी हैं तो वो भी उतारेंगे। मिसाला वगैरह अभी बन रहा है तो खुडों का जनाब साइज़ बन गया और वो खुडों का साइज़ हमने रखा है जी साढ़े, इस तरफ जो है ना चौड़ाई इसकी 4.5 फुट जो है ना चौड़ाई है और लंबाई जो है 4 फुट लंबाई है, ठीक है। और ये यहाँ पे अभी नीचे 3 खुडे बन रहे हैं और इनकी वेंटिलेशन के लिए सुराख रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बाहर वाली साइड से सुराख रखे हुए हैं इनकी वेंटिलेशन के लिए, ये बाहर वाली साइड है ताकि परिंदे को जो है ना खुली हवा लगे, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है गर्मी का तो इनको गर्मी ना लगे। तो ये खुडे खुले खुले अभी बनाए हैं, ठीक है। ये जनाब अभी दीवारें दरमियान वाली खड़ी हो गई हैं और बाकी रह गया जी फ्रंट। इसके बाद फिर इंशाल्लाह ऊपर वाले हम स्टार्ट करेंगे छतें लगा कर, फ्रंट लगा के पहले खिड़कियां वगैरह इसके लगा के उसके बाद जो है ना हम दूसरा स्टार्टअप करेंगे। और ये देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए मैंने सुराख छोड़े थे पाइप वगैरह के टुकड़े करके ना आधे आधे 3-3, 4-4 इंच के ना होल रखेंगे इसमें ताकि ये वेंटिलेशन का जो है ना मसला ना कोई बने। सारे खुडों में ऐसे ही है बाहर से भी लें जी। माशाल्लाह से एक जो है ना साइड हमारे नीचे वाले खानों की मुकम्मल होने के कगार पर है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से भी आपको जो है ना मैं दिखा देता हूँ और माशाल्लाह अंदर से बहुत ही खुले। आपको मैंने जैसे बताया कि अंदर जो है ना मैंने इसका 4 फुट लंबाई और 4.5 फुट जो है ना इनकी चौड़ाई रखी हुई है जिससे जो है ना परिंदा बिल्कुल आज़ाद घूम फिर सके। और ये पल्लों का जो मैंने साइज़ रखवाया है वो छत में कमर हो गई हैं 2x2.5 के, यानी कि 2.5 फुट जो है ना ये चौड़े हैं और 2 फुट का मैं आपको साइज़ जो है ना बता देता हूँ। ये मेरे 3 खुडों के ऊपर जो आई है स्लेब्स आई हैं 8 स्लेब्स आई हैं, ठीक है। और इनका साइज़ है 1.5x4 फुट, ठीक है। इनके 1.5 फुट इनकी चौड़ाई है और 4 फुट इनकी लंबाई है। और इनकी जो प्राइस है वो भी जो है ना मैं आपको इसी वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह बता दूंगा। इनके पर्ची मैंने बनाई हुई है और उसी के ऊपर जो है ना सारा मैंने जो मटेरियल जितना भी अपना खर्च वगैरह इस्तेमाल वगैरह जो मेरा आया है वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। माशाल्लाह से जी ये वाला जो है ना नीचे वाला पोर्शन जो हमारा पूरा ओके हो गया, ठीक है। अब शाम का टाइम है तो अंधेरा हुआ पड़ा है तो साफ इतना नज़र नहीं आ रहा, बट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया भाई ने। ये जनाब काम फाइनल करके बैठे हैं सुकून से हैं। तो वहाँ से भी हम आपको दिखा देते हैं, ये मैंने भैया बैक साइड वाला है, ठीक है, बैक साइड है और ये फ्रंट है। माशाल्लाह से आज दूसरा दिन है और ऊपर वाला जो है ना पोर्शन स्टार्ट हो गया अब फाइनल और ऊपर वाले में जो है ना मैंने पाइप्स वगैरह के टुकड़े नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे ही खुले सुराख छोड़ो मैं वेंटिलेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लग रहा है। अच्छा वीडियो को जो है ना आपने एंड तक पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए ही बनाते हैं, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए मैं वीडियो ये लेकर आया हूँ, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।
तो देख सकते हैं ये मैंने वेंटिलेशन के लिए जो है ना सुराख खुले खुले छोड़े हुए हैं ऊपर वाले पोर्शन में। केजीज की दीवारों में मैंने सारी ये टीप्स वगैरह करवाई हैं और आप देख सकते हैं ये तीन जो चार दीवारें हैं ना ऊपर वाली ये मुकम्मल हो चुकी हैं और इनमें जो है ना मैंने ये टीप्स प्लस्तर वगैरह करवाया है वो इसलिए कि गर्मियों में या कभी भी जो है ना इन दरारों में जो ना दीवार के अंदर जो ईंटों के दरमियान जो दरारें होती इनमें जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो फासला होता है तो इनमें जो है ना कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं और वहीं से छुपे रहते हैं और चीचड़ी वगैरह जानवरों को हो जाती है जिससे मसला हमें बहुत आता है। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि जो है ना इनकी टीप्स वगैरह ऐसे करवा दी करें, प्लस्तर नहीं करवा सकते तो ऐसे टीप्स ही करवा दिया करें। मैंने भी ऐसे टीप्स ही कराई हैं, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। ठीक है, बाकी माशाल्लाह काम आपके सामने है कैसे है। माशाल्लाह से जी ये फ्रंट मुकम्मल हो गया है और बाकी इसकी छतें वगैरह और सामने से प्लस्तर होना बाकी है। ठीक है, तो अब इनका जो मुझे खर्च आया है जो भी पल्लों का और स्लेब्स का जो भी सीमेंट वगैरह का जो भी मुझे खर्च आया है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, मुझे स्लेब्स पड़ी हैं, मैंने नॉर्मल जो है ना कंक्रीट वाली फैक्ट्री से पता किया था, मुझे वहाँ से ये रेट इसका मिला 1200 रुपये एक स्लेब का 1.5x4 फीट का। ठीक है, उसका मुझे ये 1200 रेट मिला और मैंने डायरेक्ट जो है ना मेरे साथ ही जो है ना फैक्ट्री पड़ते तो मैंने वहाँ से इसका रेट पता किया और मुझे वहाँ से इसका रेट होल सेल रेट में मिला है सिर्फ 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, मुझे मैंने 12 स्लेब्स ली हैं और ये मुझे पड़ी हैं 6000 रुपये में। ठीक है, इसके बाद जी आ जाते हैं टोटल जो मुझे इनके ऊपर ख़र्चा आया है इन केजेस के ऊपर मजदूरी के साथ और अपना जितना भी जान के मुझे ख़र्चा आया वो मुझे पड़ा है तकरीबन 25-1000 रुपये इन 6 खुडों का ख़र्चा आया है। अच्छा, मैं आपको जो है ना इन पलों का जो है ना साइज़ बताने लगा हूँ और कैसे नहीं बने हुए। ठीक है ना, वैसे ये मजबूती में माशाल्लाह मैंने अच्छे वाले जो है ना एंगल में सारा ये बनवाया ताकि ये जो है ना मजबूत और अच्छे लगे। ठीक है, ये कुंडी वगैरह लगी हुई है, यहाँ से ये खुल सकता है और बंद भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने बनवाया और इसके बाद जो है ना मैंने दाना पानी के लिए ये चीज़ रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना अपने बर्तन वगैरह जो स्टील की कोलियाँ वगैरह होंगी ना वो इसमें रख के यहाँ पर दाना और यहाँ पर पानी रख सकते हैं और इसे यहाँ से बंद करके यहाँ से ये कुंडियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से हम कुछ भी यानी कि इसमें फिट करके यानी कि इसको बंद कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बाकी आपके सामने हमारा मजबूत और इसका साइज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, 2 फुट जो है ना इसकी लंबाई है और 2.5 फुट जो है ना इसकी चौड़ाई है और सारा मैंने जो है ना एंगल पट्टी में बनवाया है और इसका जो मुझे ख़र्चा आया है वो इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है ना, तकरीबन मैंने दूसरी नॉर्मल शॉप से पता किया था ये मुझे बननी थी तकरीबन 3500 रुपये एक पल्ला। ठीक है ना, लेकिन मेरे एक दोस्त की शॉप थी तो वहाँ से मैंने पता किया और वहाँ से ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। ठीक है ना, आज के दौर में 1500 रुपये में कोई भी नहीं दे रहा। और लें जी माशाल्लाह से जी न्यू जो सेटअप हमारा केजिद का था माशाल्लाह आज मुकम्मल हो गए कल से, तो आज इनको पानी वगैरह मैंने मारा और जो है ना तर किए इन सबको। ठीक है, बाकी आपके सामने माशाल्लाह इन जो है ना सामने वाला जो आप देख रहे हैं इन पोशनों की ना छत वगैरह जो है ना वो रह गई है, यहाँ से 3-4 स्लेब्स जो है ना कम हो गई थी तो करना ये है अब हमें बस स्लेब्स की ज़रूरत तो नहीं है इतनी इनके ऊपर। मैं जो है ना किसी से पत्तल लेकर ना पत्तल जो कानों की बनी होती है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर दूंगा। ठीक है, बाकी माशाल्लाह ये देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे प्यारा सेटअप लग रहा है या नहीं लग रहा वो आपने ज़रूर बताना है और मैं आपको जाना दिखाता हूँ नज़दीक से ये कैसे बने हुए हैं और कैसे नहीं। बाकी तो लें जी आपके भाई का माशाल्लाह से ये सेटअप मुकम्मल हो गया और आपने ज़रूर वीडियो में जो है ना आपने बताना है कि ये कैसे लगे हैं और किस तरह के लगे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं जो भी है। ठीक है ना, आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, कमेंट लाजमी कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आप देखते रहते हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरी हर न्यू वीडियो आने पे आपको जो है ना उस वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैंने अपने पूरे जो केजेस का सेटअप वगैरह तैयार किया कितने में आया कितने में नहीं आया आपको वो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।